नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन बेस्ट फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर आए हुए एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपने पुराने घर, आज काम होगा कुछ नया और नया वीडियो बनाएंगे। वीडियो को हमारे अपने पूरा देखेगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो चले चलते हैं, शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने बनाए हैं, हमारे हस्बैंड ने जी बनाए हैं भट्ठा। अब इस भट्ठे में क्या होगा ये हम आप सबको दिखाएंगे और वीडियो को हमारे आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। और बगल में रखा है कराहा, तो आप लोग कुछ लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो है आज दो दिन पहले से ही गन्ना काट कर रखा हुआ था। बारिश के कारण जो है इसको नहीं रस निकाल पाए, तो देखिए गन्ना जो है सभी इकट्ठा कर लिए हैं पहले से ही। और इधर हमने बर्तन इकट्ठा किया हुआ है रस को, गन्ने का रस निकालने के लिए। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि जो है बैल से जो है गन्ने का रस निकालते थे, तो अब जो आपके ज़माने जो है ट्रैक्टर हो गया है। तो गन्ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है ये थोड़ा सा जो है चूहा काट दिया है गन्ना है, तो इस गन्ने का हम रखेंगे सिरका, क्योंकि जोड़ा रस इसका जो है सूख जाता है, तो सिरका बहुत ही अच्छा बनता है। और हमारे इधर परमेश्वर जी जो है अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और पुल्ली में जो है पट्टा सेट हो गया है, इधर देखिए सब तैयारी हो चुकी है। इधर थोड़ा सा जो है गन्ना हम लोग रस निकाल लिए हैं, देखिए थोड़ा सा निकाले हुए हैं। अभी जो है कचरा साफ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से चरखी जो है 5-10 साल से कम से कम ऐसे ही पड़ी है, तो काफ़ी मेहनत हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं गन्ने का रस निकालने के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो है रस निकल पा रहा है। इसमें मशीन बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और तेल पानी ग्रीस अच्छे से हो गया है सभी बैरिंग में। तो चलिए अब हम जो है गन्ने का रस निकालना शुरू करेंगे। वीडियो को हमारे पूरा देखेगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इधर आप देख सकते हैं कि यह जो है गीली मट्टी लगी हुई थी, जिसको पकने के लिए यहाँ पहले से ही आग जला दिया गया है। अब रस निकल चुका है, अब तैयारी होगी जो है कराहा को धोकर साफ करके रस को डालने। कराहा थोड़ा सा किनारे किनारे जो है फूट गया था, तो इसमें क्या लग रहा है, यम सील लगाने से क्या होता है कि जो लोहा होता है यम सील को बहुत ही अच्छे से लॉक कर देता है, वो कभी भी चूता नहीं है। तो अब हम लगाएंगे झोंक, आप सब देख सकते हैं कि इधर जो कराहा हमने रस को डाल दिया है। अब हम आग को जला रहे हैं और थोड़ा सा भगवान जी का नाम लेके हम शुरू करेंगे कि ताकि हमारा गुड़ और जो हम खाड़ बनाएंगे मीठा अच्छा से बने। और थोड़ा सा हम रस को इस पर आग पर छिड़क देंगे और भट्ठे में हम इस तरह से झोंक देंगे। तो इधर आप देख सकते हैं मही जो है ऊपर आ गई है, रस पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब कचड़े को हम जो है मही को निकाल लेंगे और पौने के सारे देखिए इसे हम एक बाल्टी में रख लेंगे नंदनी को खिलाने के लिए। तो रस में आ गया है उबाल। तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो है हमने एक बार का जो है इधर गुड़ जमने के लिए छोड़ दिया है मारकर, ये जम रहा है। और इधर जो है दूसरा जो है घानी तैयार हो रहा है जमने के लिए, सोना लगने वाला है। आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है बनने वाला दम तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम पानी में चेक कर लेंगे कि देखिए हुआ है कि नहीं।
थोड़ा सा गर्मा गर्म हम पानी में डाल देंगे और चेक करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि गोली बन रही है, तो बहुत ही अच्छा गुड़ हमारा जो है बनकर तैयार होगा। तो इसी समय हम जो है उतार लेंगे नीचे से एक परात में परत लेंगे। हाँ हम थोड़ो जा बाबू, तो ये परात में जो है जो डाल दिया गया है। तो अब इसे जो है 10 मिनट के बाद जो है इसे ठंडा हो जाने के बाद ये जो है अच्छे से मराएगा तो इसमें दाना पड़ जाएगा। तो ये देखिए दाबी नहीं था, तो ये भात वाली कछुल लकड़ी का है, तो उसी से जो है दाबी बनाकर मारा जाएगा। तो गुड़ को जो है बहुत ही अच्छे से जो है परात में जो है इसे फेंट देंगे। फेंटने के बाद इसी तरह जो है आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो है गुड़ को जो है बट्टी बनाएंगे। अभी ये काफी गर्म है, मारने के बाद इसी जो है आधे घंटे के बाद हम दिखाते हैं आप सबको। देखिए ये जो है गुड़ जो है जमने के लिए छोड़ दिया गया है, मारने के बाद दाना पड़ जाता है देखिए बहुत ही अच्छे से। तो इसे अभी काफी ये गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो इसका हम जो है बट्टी बनाकर तैयार करेंगे। अभी ये काफी गर्म है, नीचे से हम लोग देख रहे हैं थार में। जब ठंडा हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे सूखा हुआ है थार में बिल्कुल उसी तरह जो है पूरा जो है सूख जाएगा। उसके बाद हम लोग खुरपी के सहारे से खन कर जो है बट्टी बांधेंगे। देखिए कितने अच्छे से सूख रहा है, तो बहुत ही परफेक्ट हमारा जो है गुड़ बनकर तैयार होगा। और हमारे यहाँ कम से कम जो है 5-6 साल बाद जो है गुड़ तैयार हो रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि बट्टी बनना शुरू हो गया है। थार में से हमने जो है रख दिया है एक भगोने में, क्योंकि दोबारा जो है फिर उधर गुड़ बन रहा है तो थार की हमें आवश्यकता थी। इधर देखिए हमारी जो है जेठानी और सासू माँ हमारा जो है बट्टी बनाकर तैयार कर रही है। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर बट्टी बन रहा है। तो अभी जो है अभी यही थोड़ा थोड़ा गर्म है, और गर्म होने के बाद जो है जो इसमें चिकनाहट है पूरी तरह से खत्म हो जाए सूख जाने के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में देखिए। तो इधर आप देख सकते हैं कि बड़ी परात से जो है भेली हमने जो है सभी लोग मिलकर बांध दिए हैं, और परात में से हमने एक बर्तन में रख लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा गुड़ का भेली बना हुआ है दोस्तों, ये खाने में काफी टेस्टी होगा। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गन्ने का देसी गुड़ हमारा बनकर तैयार है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।